Yeah.
गई महिना मुसका चढ़ाई गे लाए खूब बढ़िया की खेल हो वह जमाना के मुताबिक चल रहे
मुर्गा खिलके चावल खिलके तनी मनी महुआ चल की कल हो कली लड़का के दे दी तखलो घट करता दारू पिलके तखने दाली दो ढुक गले आई बुबा कनिया ने पढ़ल लिखल सुंदर रहे पढ़ल लिखल से बोले नहीं छ बोले नहीं छ तो जाहिन रे तो जाने छ स्त्री पुरुष में केना बतियाय छ यह आय अपने साथ में हमरा तो पहले जन्म पागल कहने तो चल जा हे हो बुढ़ा तू चल जा बाबा भक्ति सरपा माता देवी सरपा पिता बे माता तुल्य के चरणों में ये नादान बालक का गोटी गोटी प्रणाम हे बाबूजी अगर इस खेल में जो भी त्रुटि हो जाए तो एक पुत्र समझकर एक अपना बेटा समझकर क्षमा करने का प्रदान करेंगे भैया हम आप लोग से यही कहना चाहूंगा कि ये मदारी का खेल नहीं है जो एक दो घंटा हम लोग दिखा देंगे उसके बाद बंद कर चले जाएंगे ऐसा नहीं है क्योंकि हमें सारा रात करना है इसीलिए आप लोग शांति का दान देकर बैठे और शांति से इस खेल को आनंद ले धन्यवाद जय काली कल्याण कर जय काली कल्याण कर माँ ध्यान धरो सुमरो सरस्वती मैया कंठ बसा कंठ बसा देहु मोर हे मैया कंठ बसा देहु मोर ये जी मैं बालक कछु जानत ना बालक कछु जानत ना माहिर से बता दो ये जी पार्टी का पता बताऊं सजनों सुनियो मन में लगा कर ध्यान आज जिला बेगूसराय परत है तो ये जी बखरी में पर गया थाना ये जी बखरी पर गया थाना सजनो पोस्ट शीतल रामपुर आज बबलू कुमार पासवान नाम है उनका यदि छोटी मोजी खास मकान आत सुमिरन सु हो आ भूलो
दुआर बाल हरे प्रणाम हुजूर प्रणाम मस्त रहो बहादुर ये बताओ कि राज महसूता का क्या समाचार है महाराज राज महसूता में जब से राजा सलेश और मोतीराम पहलवान बुदेसर तीन भाई को जब अवतार हुआ तो राज महसूता से काल दूर हो गया शाबाश ये बताओ बहादुर कि मेरे जो बाबुआ बुढ़ेश्वर मेरा भाई है क्या वह सही समय से पाठशाला जाता है महाराज बहुत अच्छा से पढ़ाई करता है उसे कोई चीज का तो दिक्कत नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है तो ऐसा कर दरबारी कि आज मुझे बहुत जोरों से आलस लग रहा है अच्छा जाकर मेरे रंग भवन में बिछावन लाली सेज पलंग सजा दो कौन जी का आदत लग रहा है हरम ज्यादा आदत नहीं आलस लग रहा है जागे वाला हार जागने वाला नहीं सोने वाला ताकि मैं अपने लाली सेज पलंग पर जाकर आराम करूं अच्छा हैरान करिएगा हैरान नहीं आराम कहता है आराम अच्छा विधान लगाते हैं आराम खोर कहीं का विधान नहीं बिछावन बोलो अच्छा लगता है जल्दी जाओ और लाली से पलंग यार बबुआ तैयार है लाड़ी से और ध्यान से सुन बहादुर यहाँ से तू चले जा मेन गेट पर अच्छा और मेन गेट पर ऐसा कारा पारा देना ताकि बाहर का चीटी अंदर ना आना चाहिए और ना ही अंदर का चीटी बाहर जाना चाहिए गेट पर कुत्तार काट लगा तब मेरा हरम ज्यादा क्या तुम्हारे पास बंदूक नहीं है ना? कुत्ते को नहीं खिलाते हो दुनलिया है दुनलिया बोलो मारेगा एक्के लाठी दो लाठी खेत जाएगा किसे मारोगे रे वो गेट पर पास करने वाला का हाँ अगर कोई आ जाए पर जागन तो कहना महाराज अपने शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं अच्छा ज्यादा Hey!
ड्यूटी करे जता गेट पर। क्या हुआ? सन कॉल कुत्ता थे गंगे आप करे। ये पहले बताओ बहादुर कि उस कुत्ते को तू भोजन नहीं देता है? भोजन दबे पंजाब से कबैक भेज लगे। अरे मेरे राज में क्या चीज का कमी है? बहुत चीज का कमी है। क्या कोस का राज है? 14 कोस का। पंखा कहाँ? हरम ज्यादा वहाँ भी लग जाएगा। सब एकदम घाम से लहाय जलाता है, कपड़ा में मुत लिया है। अरे बहादुर, महाराज आराम करिए। ये पहले बताओ कि अपने राज में जाते हो चौक चौराहे पर तो किस तरह मुझे बराई करते हो? कोई पूछता है राजा सलेस क्या है? क्या खबरदार, क्या है राजा सलेस? क्या है? सरकार है। शाबाश बहादुर। राजा है। शाबाश। महाराजा है। शाबाश। मालिक है। शाबाश। सुता है, चप्पल है, खराब है, चोर है, डकैत है, बेमान है, लुच्चा है, छिनार है, हराम खोर कहीं का ये जूता चप्पल चोर डकैत ये कहाँ चले आया? बड़ाई न करते हैं। हराम ज्यादा इसी तरह से बड़ाई होता है। मुंड खराब हो गया कह दिया जाए हमारा मालिक नहीं दी तुम जूता चप्पल है। अच्छा बस बहादुर चले जाओ मेन गेट पर। हेलो, एक आवश्यक सूचना है विजय भैया आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, विनती अभी है सी महिमा सिंगा बहुरे Thank you.
आज देख रही हूँ बेटा लाली से पलंग पर ऐश मौज कर रहा है। उठो बेटा, माँ देवी दुर्गा जी दर्शन करो, नहीं तो बेटा, अरे बेटा बेटा बहुत गहरी नींद में तो सोया है बेटा, मैं तुम्हें सपन देती हूँ बेटा, तू चले जाना बेटा लवलन बाग, क्योंकि बेटा तेरे लिए कितनी मुनि तपस्या में पड़े हैं, उनको फूल को आवश्यकता है बेटा, कर बेटा तू लवलन बाग नहीं जाओगे तो बेटा बारे कोश का लवलन फुलवारी सूखा भरा रह जाएगा, कर बेटा तू अपनी पांव रख देगा हरा भरा हो जाएगा बेटा, तुम्हें बेटा लवलन बाग जाना बहुत आवश्यकता है बेटा, मैं चल रही हूँ अपनी। सोए हुए अवस्था में मैं क्या देखा कि माँ देवी दुर्गा मेरे सपन में आकर कह रही है कि बेटा सलहेश, ये राजाओं महाराजाओं का कर्तव्य नहीं होता है कि दिन रात अपने लाली सेज पलंग पर सोए। धन्य हो बा, आज तूने मुझे ऐसा सपन दे दी कि ये राजा महाराजा दिन रात सोता है परंतु अपना कदम बाहर रख, अपना गेट के बाहर रख, ये दुनिया कितना लंबा है इसे तू जाकर देख। माँ देवी दुर्गा ने कही है कि बेटा सलहेश, एक लौलन बगीचा पड़ता है राज पकड़िया में, अगर उस बगीचा में तू अगर नहीं जाता है वह सारा फूल मूर्छित पड़ा ही रह जाएगा, अगर तू अपना कदम उस बगीचा में रह डाल देगा तो सारा फूल हरा भरा हो जाएगा। धन्य होगा, आज तूने बहुत अद्भुत सपने दे दिए।